अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, ये तीनों में अंतर क्या है? अज्ञान का मतलब होता है आम लोग जिसको नहीं स्वीकार करते हैं, स्पीच, थॉट एंड एक्शन, इसको अज्ञान कहते हैं। ज्ञान आम लोग इसको स्वीकार करते हैं, वो ज्ञान कहते हैं। मगर दोनों रिलेटिव सत्य है, दोनों लोगों की मान्यता के ऊपर आधारित है। एक कहता है मीट खाना चाहिए, वो हमारा ज्ञान है। दूसरा कहेगा नहीं खाना चाहिए, वो हमारा ज्ञान है। तो क्या हो गया? विपन्न हो गया ना, तो रिलेटिव सत्य हो गया। एक कहता है कि राम को मानना मेरा ज्ञान है, एक कहता है नहीं कृष्ण को मानना मेरा ज्ञान है, तो वो क्या हो गया? एक कहता है मैं उसकी आरती करूंगा, एक कहता है उसकी आरती करूंगा, एक कहेगा मैं ये मंत्र बोलूंगा, एक कहेगा मैं ये मंत्र बोलूंगा, तो ये क्या हो गया? व्यू पॉइंट। इट्स अ रिलेटिव सत्य, यहाँ साइंस नहीं है। तो ज्ञान और अज्ञान है, क्या है? ज्ञान और अज्ञान। और पूरी दुनिया चलती है ज्ञान और अज्ञान से, इसमें विज्ञान नहीं है। पूरी दुनिया जो चलती है लोगों के मन के आधार से, विचारों के आधार से, वो ज्ञान अज्ञान से चलती है। और एक्चुअली सृष्टि चलती है विज्ञान के आधार से। जैसे H2 होता है, ऐसे पानी होता है, तो क्या है? विज्ञान। ये सब एनर्जी है, सोलार एनर्जी, पवन एनर्जी, पानी एनर्जी, अग्नि एनर्जी, आप समझे ना, हवा एनर्जी, ये सब क्या है? साइंस है। पावर है अलग अलग प्रकार के, और वो दुनिया में काम करता ही है। अगर प्राणवायु नहीं है तो हम जी नहीं सकते है। ये कुदरत, हम कितना भी यूज करें प्राणवायु लेके अंगारवायु निकालेंगे, फिर वो प्राणी बना देते हैं, चलता ही रहता है। इट्स ऑटोमोट सिस्टम, बट इट इज अ साइंस। इसमें मेकर की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस, चलता ही रहता है। ऐसे ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य का जीवन की मन वचन काया का वो ऑटो मोड से चलता है। क्या है? ऑटो मोड। मगर ऑटो मोड का सेटिंग किसने किया? तो प्रीवियस बर्थ में कोडवर के रूप में सेटिंग किया है, जिसको कहते हैं कॉज। क्या कहते हैं? कॉज। फिर इफेक्ट के रूप में जो भुगतान आती है वो सफरिंग है। अभी इसके अंदर साइंस क्या है? ये बॉडी सफरिंग करती नहीं है, आप समझो पहले। ये मैं आपको साइंस दिखाना चाहता हूं। बॉडी को सफरिंग नहीं है, बॉडी के थ्रू ईगो को सफरिंग है, क्योंकि क्रिएशन उन्होंने किया था। इन अ प्रीवियस बर्थ वो कॉज के रूप में था, अभी इफेक्ट के रूप में है। और बॉडी इज अ इंस्ट्रूमेंट, जो शरीर है वो साधन है जो कुदरत ने बनाया है, कुदरत चलाते हैं और कुदरत ही इसको डिस्ट्रॉय करती है। ये साधन की बात है। तो कुदरत का काम ये इंस्ट्रूमेंट देना है, इसको मेंटेन करना है, जीवित रखना है, जहां तक आपको कर्म की भुगतान है। तो ये तो साधन है, और साधन कुदरत इसका मालिक है, चलाने वाला भी कुदरत है। इसमें हमारी कोई आइडेंटिटी और ऑपरेशन भी नहीं है। मगर ये माध्यम से जो कर्मों की भुगतान आती है, मनी, मटेरियल, इंसान कहो, इंस्ट्रूमेंट कहो, जिससे हमको सुख दुख फील होता है, बस वो हमारा कर्म फल है। मगर थ्रू दिस माध्यम, एयर कंडीशन मशीन है, ठीक है, वो सुख दुख देता है। मगर एयर कंडीशन गर्मी में बाहर से आए
चालू किया, कूलिंग हो गया, वी फील रिलैक्स, तो ये हमारा पुण्य है, हमने साता वेदनीय का अनुभव किया। तो थ्रू द बॉडी हम फील करते हैं, मगर फील करने वाली बॉडी नहीं है, फीलिंग को अनुभव करने वाला है आपका डिस्चार्ज ईगो, जो लेके आया है सुख की भुगतान का पुण्य, यानी साता वेदनीय का कर्म लेके आया है, तो उसकी अनुभूति थ्रू इंस्ट्रूमेंट यानी थ्रू बॉडी होती है। बॉडी का काम सुख दुख को फील करना नहीं है, सुख दुख के माध्यम से ईगो फील करता है। कौन करता है? अहंकार। उनको पैसा देंगे तो इनको फील क्या होगा, ये पैसा मेरा है, ठीक है, वही पैसा तिजोरी में है तो तिजोरी फील नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास ईगो नहीं है, सोल नहीं है। तो ये इंस्ट्रूमेंट को समझना है, इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट इज क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत ने बनाया है, उनकी डिजाइन भी कुदरत ने बनाई है, सबकी डिजाइन एक ही है, पूरे वर्ल्ड में जाओ सबकी फिजिकल डिजाइन क्या है, एक ही है, तभी डॉक्टर पूरे दुनिया में चलता है, यस और नो? अगर डिजाइन अलग अलग होती तो इंडिया के डॉक्टर अलग, पाकिस्तान के अलग, अमेरिका के अलग, क्योंकि सबकी डिजाइन क्या है, अलग अलग है, मगर ऐसा यहाँ का डॉक्टर अमेरिका में चलेगा, अमेरिका का डॉक्टर, क्योंकि डिजाइन सिस्टम एक ही है। तो ये डिजाइन एक है, क्योंकि क्रिएटेड बाय द नेचर, ह्यूमन एक नहीं बना सकता है, सबकी बुद्धि क्या है, अलग, डिजाइन कैसे बनाएगा अलग, अगर वो बनाना बनाने वाला है तो, मगर ऐसा नहीं है। तो द बॉडी की डिजाइन कुदरत ने बनाई, फिर फिजिकल स्ट्रक्चर किसने बनाया, वो भी कुदरत ने बनाया, कैसे, विद द हेल्प ऑफ फाइव एलिमेंट्स, पांच तत्व, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, जिसका एक नाम है पंच महाभूत, ये भी कुदरत का है, कुदरत का ही है ना, ये बॉडी तो बना दिया, अभी उसको जीवित तो रखनी पड़ेगी ना, ये मशीन तो बन गया है, मगर जीवित रखने के लिए इसको हवा, पानी, खुराक चाहिए, वो भी कौन देगा, कि मैंने पिछले हुआ इसका, ये भी कुदरत देता है। इसके आगे जाओगे तो ये कुदरत ने ये बॉडी क्यों बनाया और क्यों दिया हमको, हम तो शरीर नहीं है, हम तो शुद्धात्मा है, ये मशीन क्यों दिया हमको, वो तो कुदरत ने कहा ये मशीन तुमको कर्मों की भुगतान के लिए दिया है, क्योंकि तुम्हारा कर्म मानवता वाला है, ह्यूमैनिटी, तो आपको ह्यूमन का बॉडी दिया, अगर पास भी कर्म होता है तो पशु का बॉडी देते, राक्षसी कर्म होते तो नरगति का बॉडी देते, और दैवी कर्म होते तो देवलोक का बॉडी देते, मगर वो कर्मों के ऊपर डिपेंड है, आपका खुद का डिसीजन नहीं है, कुदरत डिसाइड करेगी उनको कौन सा बॉडी देना है, कहां देना है। तो फिर कुदरत ने कहा कि ये बॉडी आपको कर्म के भुगतान के लिए दिया है, फिर प्रश्न करेगा इंसान, भी कर्म तो मैं अभी किया नहीं है, वो तो पिछले अवतार में किया है, वो तो हमको मालूम नहीं है, तो कुदरत है, तुमको मालूम करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि फल देने वाले और संजोग देने वाले भी हम है, जो भी सुख दुख आएगा इनका संजोग कौन क्रिएट करेगा, कुदरत, लॉटरी लगने वाली है तो भी कुदरत संजोग क्रिएट करेंगी, और लॉस होने वाला है तो भी कुदरत करेगी, द नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग, वी आर नॉट क्रिएटर, वी आर सफरर थ्रू दिस बॉडी। तो फिर कुदरत, फिर आगे प्रश्न होता है, तो फिर ये बॉडी बनाया कुदरत संजोग देते है कर्मों के भुगतान का, जो पिछले अवतार में किया है वो हमको नहीं मालूम, उनको मालूम है, क्यों भी उनको मालूम है, क्योंकि रिजल्ट इसको देना है, किसको देना है, आप समझे ना, तो कुदरत को देना है रिजल्ट, तो इसीलिए उनको मालूम होना चाहिए कि आपने किस प्रकार से कर्म किए थे और इनका फल क्या होना है। एंड क्रिएट द सरकमस्टेंसेस, हम क्रिएट नहीं करते, हम तो सफर हैं,
फिर कहेंगे तो फिर ये बॉडी का अंत कैसे होगा, तो बोला श्वास बंद होगा तब अंत हो जाएगा, तो बोला श्वास हमको बंद करना है, तो कह नहीं चालू भी कुदरत ने किया था, बंद भी कुदरती करेगी। तो भगवान इंसान जिंदा है उसका प्रूफ क्या है, तो कि उसका श्वास चलता है, क्या है श्वास, वो जिंदा है। भगवान को तो पानी पीता है, खुराक खाता है, ये सब संपत्ति भी उसकी है, उससे जीवित नहीं है, तो क्या नहीं, ये तो मर जाएगा तब भी तो पानी भी रहेगा, नोई भी रहेगा अंदर, ठीक है, ये संपत्ति भी रहेगी, मगर हवा बंद हो गई तो लाइ यार बॉडी जो है इसकी लाइवनेस एयर के आधार से है, किसके आधार से, और फूड है वो फिजिकल मेंटेन करने के लिए है, वो जीवित रखने के लिए नहीं है। जैसा काम वैसा खाना होता है, और काम से ज्यादा खाना खाओगे तो शरीर क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा, मगर मर नहीं सकते, आपका आयुष्य कर्म है वहां तक सोते सोते भी जीना पड़ेगा क्योंकि आयुष्य कर्म है आपका, ऐसा मरना आसान नहीं है और जीना भी कर्म इसको तो कहते हैं, न जीना आसान है न मरना आसान है, यही तो कर्म है, इसमें चॉइस नहीं है, क्या नहीं है, कृष्ण भगवान के पास भी चॉइस नहीं थी, वो जेल में पैदा हुए, चॉइस थी, उनके माता पिता जेल में, किसी को कहेंगे कि ये बच्चा तो जेल में पैदा हुआ तो लोग क्या कहेंगे, जाने दो इसके साथ व्यवहार नहीं करना है, उनका माता पिता ही जेल में है तो वो कैसा होगा, लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। तो कृष्ण भगवान तो जेल में पैदा हुए, पैदा होने के बाद दूसरे माँ बाप के घर पे उसको रहना पड़ा कृष्ण भगवान को, और इसके बाद उनका कलर काला श्याम, जिसके साथ प्रेम था उसके साथ शादी नहीं हुई, नहीं समझ में आया सही गलत है, प्रेम किसके साथ था, राधा, उनके साथ शादी, राधे कृष्ण होता है, कृष्ण भगवान की वाइफ का नाम नहीं है, राम कृष्ण वाइफ का नाम है, राधे वो वाइफ का नाम अब समझे, देखो इतिहास देखो कैसा है, फिर दुर्योधन उसका मानता नहीं है, इंसल्ट कर देता है कि तुम तो पक्षपाती हो पांडवों के। तो कहने का मतलब यह है हर व्यक्तियों को अपने कर्मों की भुगतान करनी पड़ती है, चॉइस नहीं है, समर्थ हो सकते हैं मगर स्वतंत्र नहीं, समर्थ हो सकते हैं, मार्ग भी समर्थ है स्वतंत्र नहीं, कान में किला लगाना पड़ा, कोई चॉइस नहीं, नहीं। राम की भी सीता उठा के ले गए, कोई चॉइस थी नहीं, वनवास जाना पड़ा, कोई मिस्टेक नहीं अभी की, मगर कर्मों के फल में चॉइस नहीं होती, यू हैव टू फॉलो, नहीं मानेंगे तो भी फॉलो तो करना है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं जीवन में जो भी संजोग आए जैसा भी आए, अगर आपको हैप्पी रहना है, हैप्पी का मतलब होता है संजोगों की असर से मुक्त रहना, उसका नाम हैप्पी है, हैप्पी का मतलब हम जो सुख मानते हैं वो नहीं, संजोगों की असर से मुक्त रहना है, तो जो भी संजोग आते हैं, इस शरीर को पसंद है या नहीं है, मन को पसंद है या नहीं है, बुद्धि को पसंद है या नहीं है, एक्सेप्ट एज इट इज विदाउट कंप्लेन एंड क्वेश्चन, तो आपकी पूरी जिंदगी हैप्पीनेस में जाएंगे, और वो हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, वो आपका खुद का ज्ञान और दर्शन होगा, क्या होगा, खुद का ज्ञान होगा, खुद का और किसी का नहीं, वो ज्ञान दर्शन ही हमारी कैपिटल है, क्या है, कैपिटल, संजोगों के आधार से मिला हुआ ज्ञान वो कैपिटल नहीं है, उसका उपयोग और अनुभव ही हमारी कैपिटल है, ज्ञान कहीं से भी पाओ वो परमानेंट नहीं हो सकता है,
जो हमने पाया है, इसके बाद उपयोग किया है, इसके बाद अनुभव किया है, इतना ही हमारा है। अनुभव ही हमारा है, पाया हुआ हमारा नहीं है। बस तो हम ज्ञान प्राप्त किया उसकी मस्ती में जीने की जरूरत नहीं है, इतना डाइजेस्ट कर सके, दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट। इसका ही महत्व है, कितना पाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं वो। तो जितना आप ज्ञान अनुभव के रूप में डाइजेस्ट करोगे, कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ इन टर्म्स ऑफ योर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के रूप में नेक्स्ट बर्थ में तैयार आएगा। छोटा बच्चा ही तुरंत समझ जाता है और बूढ़े होते तो भी नहीं समझते हैं, डेवलपमेंट नहीं है। क्या रही है? डेवलपमेंट। तो इतना डिफरेंस हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये पूरी जो हमारी लाइफ, ये मशीन वो मीडिया है, भुगतान वो संजोग है, मशीन भी कुदरत का, संजोग भी कुदरत का, और जो व्यक्ति मिलती है वो राजदेश वाली मिलती है, और साधन मिलता है वो सुख दुख के भुगतान के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? साधन राजदेश से नहीं मिलते हैं, सुख दुख के भुगतान के लिए। पुण्य होता है तो सुविधा मिलेगी, पाप होगा तो सुविधा, और व्यक्ति मिलती है वो इंडिविजुअल राजदेश है, और साधन मिलते हैं, सुविधा मिलती है वो पाप पुण्य है, और प्रतिष्ठित आत्मा है डिस्चार्ज, वो उनके साथ सफर इनके लिए जुड़ा हुआ है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठा। और जब चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, ये पूरा पैकेज है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, स्पीच एक्शन एंड बाहर के संजोग, ये पूरे पैकेज से अगर वो सेपरेट रहता है, यही उसका रियल परमानेंट हैप्पीनेस, जिसमें रिलेटिव आता ही नहीं है, जिसमें न शब्द ज्ञान है न क्रिया का ज्ञान है, सिर्फ सेपरेशन, यही तो बात है। शादी का मतलब क्या है? बंधन। क्या है? हम इसको मुक्ति मानते हैं, सुख मानते हैं, मगर आई क्या है? बॉन्डेज इज यस और नो। फिर बच्चा नहीं होता है तो बोला हम बहुत नाखुश है, मगर वो बंधन है। होगा तब मालूम होगा, पहले मोह होता है कि नहीं है नहीं है, होगा तो मालूम होता है, तो बंधन है। यानी हर चीज को मोह के वसम को अच्छा लगता है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो बोला ये तो बंधन है, बंधन का मतलब होता है बॉन्डेजेस। तो क्योंकि अज्ञानता है ना, तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं मुक्त रहो। भाई किससे मुक्त रहेंगे हम? तो ज्ञानी कहता है आप मन वचन काय से मुक्त रहो तो दुनिया से मुक्त है। फिर कहेंगे भाई मैं मन से कैसे मुक्त रहूं? तो बोला मन तो जो है वो मैकेनिकल है, आपका नहीं है, वो पिछले अवतार का है, अभी तो उकल रहा है, मगर आप इसको लाइव मानते हैं, बस ये आपकी अज्ञानता है। ये उनको अच्छा लगा, इनको बुरा लगा, आपसे क्या मतलब है? वो बिलीफ है उनकी, क्या है? जो शादी करते समय जो वाइफ या हस्बैंड अच्छा लगता है, बाद में अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वो बिलीफ लेके आया, तो अच्छा लगना ही चाहिए तभी तो शादी होगी, बाद में मालूम होता है। फिर ब्रेन यूज करते हैं तो कहेंगे ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, फिर बुद्धि आएगी बीच में, मगर पहले तो कॉन्ट्रैक्ट किया है पिछले अवतार का, तो पूरा करना ही पड़ेगा, इसमें चॉइस नहीं। फिर बाद में वो सोचते हैं कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है, तो क्योंकि क्योंकि ये पात्र जो मिला है वो पिछले अवतार के कर्म से मिला है। आज की चॉइस, आज तो सिर्फ आपने जो सिग्नेचर किया था वो रीसिग्नेचर कर दिया। क्या कर दिया? पिछले अवतार में सिग्नेचर किया था कि ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, वो सिग्नेचर कुदरत ने टैली करवा दिया। क्या करवा दिया? कि तुमने सिग्नेचर किया था वही है, व्यक्ति नहीं, आत्मा और कर्म दोनों एक ही है, और वो भी कर्म के भुगतान के आधार से बॉडी नया मिला, आपको भी कर्म के भुगतान के आधार से बॉडी नया मिला, मगर हिसाब वही का वही रहा, और वो भी हिसाब पिछले अवतार का, ये अवतार का नहीं, अब ये अवतार में तो हिसाब निकलता है।
है।